नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। दस हजार के इनामी सहित दो पारदी गिरफ्तार। झागर चौकी प्रभारी संतोष भार्गव और दीवान हरीश राजपूत को मिली बड़ी सफलता। झागर पुलिस टीम ने 10,000 के इनामी पारदी नंदू पुत्र गलिया निवासी खेजड़ा को गिरफ्तार किया है। नंदू पारदी पर धारा 302, धारा 307 सहित कई गंभीर अपराध दर्ज हैं। इस पर पूर्व में 10,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। दूसरा अपराधी वीर सिंह पुत्र बलवीर सिंह पारदी, जो बीला खेड़ी से पकड़ा गया। वीर सिंह पर आरोप है कि उसने पंजाब के संगरूर जिले से पुलिस हवलदार के यहां से 12 बोर की बंदूक और चांदी के बर्तन चुराए थे। दोनों को पकड़ने में सफलता मिली झागर पुलिस टीम को। मेहनत करके कैसे भी करके ये हवलदार, फिर गांव का पता किया, सरपंच से बात हुई, बोले खत्म हो चुका है, इसके लड़के का नंबर ले लिया चंद्रपाल का। चंद्रपाल ने बताया क्या है मामला पूरा? ये दिलीप बाप का नाम गल्या पारदी है, इस पे पूर्व से 10,000 रुपए का इनाम है। इस पे 3 हत्या के मामलों में ये फरार था और 2 वारंट इसके स्थाई पूर्व रूप से जारी हुए थे, वो भी हत्या के प्रयास के मामलों के थे। और इसमें 10,000 रुपए का रिवार्ड भी घोषित किया गया था पहले से पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा, जिसमें उसकी गिरफ्तारी की गई है। दूसरा पारदी है वीर सिंह पारदी है, जो बीला खेड़ी से गिरफ्तार किया है। इसके पास 12 बोर की गन मिली है और राउंड मिले हैं, कुछ सफ़ेद धातु के बर्तन मिले हैं और वो बंदूक के बारे में इसकी जानकारी ली गई है। तो जो संगरूर जिले में धुरी थाना पड़ता है, वहाँ पे इसका केस रजिस्टर्ड है, इसकी जानकारियाँ वो ली जा रही है। ये दोनों अंतर्राज्यीय डकैत हैं? जी बिल्कुल। कवरेज करने गए पत्रकार के साथ हुई अभद्रता। कवरेज करने गए पत्रकार के साथ अभद्रता के मामले में आज सभी पत्रकार एकजुट होकर कलेक्टर राजेश जैन के पास पहुंचे और उन्हें ज्ञापन सौंपा। बता दें कि फतेहगढ़ निवासी पत्रकार मोहन बघेल बमोरी में स्थित मॉडल स्कूल, जो कि 2012 में बनकर तैयार हो गया था, जिसका आज तक कोई उपयोग नहीं आ रहा, उसके ऊपर खबर तैयार करने के लिए वहां पर पदस्थ बीआरसी बनवारी लाल ने उनके साथ अभद्रता की, जिसको लेकर पत्रकार जगत में खासा रोष देखने को मिला। इसी बात का ज्ञापन देने के लिए सभी पत्रकार एकजुट होकर कलेक्टर राजेश जैन के समक्ष पहुंचे। माध्यमिक विद्यालय मॉडल स्कूल की बिल्डिंग का कवरेज करने के लिए गया था, तो 3 बजे के लगभग की बात है। वहाँ पर जो पदस्थ जो बीएससी है उनका, नहीं बीएससी है, तो उनका कोई प्रशिक्षण चल रहा था, जबकि मैं उस बिल्डिंग का जो बनी है नई बिल्डिंग, वो 2012 में बनकर तैयार हुई थी और 3,50,00,000 रुपए की वो बिल्डिंग है। आज 5 साल होने को है उस बिल्डिंग में, ना अभी तक कोई क्लास लगी है और वो अब खंडर होने की कगार पर है। लोग उसके गेट चोरी करके ले जा रहे हैं, खिड़कियाँ तो टूटी हुई हैं और पशु पक्षी ने तो उसमें अभी घोंसले वोसले भी बना लिए। तो ये सब मैं कवरेज करना चाह रहा था कि आखिर इतनी जो अच्छी बिल्डिंग है और बिना उपयोग के ये ऐसी वो हो रही है ना साफ सफाई, तो उसको लेके वहाँ पे जो बीएससी थे, जबकि वो वहाँ के इंचार्ज भी नहीं है ना, प्रभारी है, फिर इसके बनवारी लाल कोरी हैं उनको, तो वो बेवजह मुझे कवरेज से रोका और मेरे साथ अभद्रता करने लगे, कहने लगे कि आपको यहाँ पे करने का अधिकार नहीं है इस तरह से। इसके बाद मेरी कलेक्टर साहब से भी बात हुई थी,
और इनसे फिर आज ज्ञापन के लिए फिर साहब ने अब जाँच की बात की। श्री गुरु गोविंद सिंह का 350वां प्रकाशोत्सव पर्व आयोजन समिति गुना द्वारा गुरुकुल हाई सेकेंडरी स्कूल में छात्रों को गुरु गोविंद सिंह के जीवन में परिचय करने हेतु संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी शुरुआत में मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित कर अतिथियों ने किया। प्रकाशोत्सव समिति द्वारा पूरे माह विभिन्न कार्यक्रम कर प्रकाश पर्व मना रहे हैं। इस अवसर पर सोनाली श्रीवास्तव, मेघा भोंसले, अरुण विश्वकर्मा, सचिन नामदेव, हनी जैन सहित समिति के सदस्य मौजूद रहे। सरस्वती जी को वंदन करते हुए हमारे गुरुकुल स्कूल के प्रिंसिपल सर, हमारी समिति के अध्यक्ष महेश जी सोलंकी, संधु साहब, हमारे मीडिया प्रभारी विकास जैन जी, मंच का संचालन कर रही मैम और गुरुकुल स्टाफ के सभी सदस्य और प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम गुरु गोविंद सिंह जी के 350वां प्रकाश वर्ष मना रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं भारत सरकार को जिन्होंने ये कदम उठाया कि आप गुरु गोविंद सिंह जी के इतिहास को जगह जगह जाकर बच्चों में जो हमारे अतीत को भूल चुके हैं उनको गुरु गोविंद सिंह जी के इतिहास से अवगत कराएं। तो बच्चों, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि काफ़ी देर आपको खड़े हुए हो गया है। सिर्फ हमें ये जानना है कि गुरु गोविंद सिंह जी कौन थे। अभी तक हम जानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप उनके इतिहास के बारे में जानेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी का इतिहास आप किताबों के पन्नों पर नहीं देख सकते, क्योंकि इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जिनकी कोई स्टेट होती है, जिनका राज्य होता है। गुरु गोविंद सिंह जी सदैव धर्म के लिए उन्होंने जितने युद्ध किए, 14 युद्ध किए, सब उनके युद्ध जो है धार्मिक युद्ध थे, कोई भी राजनीतिक युद्ध नहीं था। वो धर्म के रक्षक थे, इस भारत माँ के सपूत। तो मैं जरा उनका जो इतिहास है पूरा वीरता पूर्ण, उनके इतिहास में पूरा वीर रस है, तो मैं आपको एक उनका नारा देता हूं, तो थोड़ा हम जोश में आ जाएं कि बोले सो निहाल। ये उनका नारा था युद्ध में जाने का। तो आज हम जिस शख्सियत के जीवन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बता दूं कि वो ऐसे महापुरुष, ऐसे महान योद्धा, सर्वंशदानी, जिन्होंने अपना पूरा सर्वंश यानी वंश का आखिरी जो हमें सबसे प्यारा कौन होता है, जो हमारे बच्चे होते हैं, जो हमारा वंश होता है, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने परदादा जो सिखों के 5वें गुरु हुए हैं उन्होंने भी शहादत दी। उनके दादाजी जो आज ग्वालियर किले पे हम जाते हैं, कभी दर्शन करते हैं, गुरु हरगोविंद जी जो दाता बंदी छोड़ के नाम से जाने जाते हैं, वो उनके दादाजी थे। उन्होंने जहांगीर की कैद से 52 राजाओं को छुड़ाया था, तो उनका उस समय नाम उन राजाओं ने जो दिया था वो दाता बंदी छोड़ के नाम से है। कभी आप चाचौड़ा गायत्री शक्तिपीठ मंदिर में 10 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन समस्त नगरवासियों के द्वारा किया जा रहा है। आज भागवत कथा की कलश यात्रा निकाली गई। यह कलश यात्रा चाचौड़ा गायत्री मंदिर से प्रारंभ हुई और चाचौड़ा के प्रमुख मार्गों से होती हुई पुनः गायत्री मंदिर वापस पहुंची। इस कलश यात्रा का जगह जगह भक्तजनों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इसके बाद कथावाचक आचार्य श्री पुरुषोत्तम जी पारिक के द्वारा कथा प्रारंभ हुई। कथा को सुनने और उसका आनंद लेने के लिए सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु आए। Thank you.
चाचौड़ा से हमारे सहयोगी शिवम नामदेव की रिपोर्ट। आज रामपुर और मोतीपुरा चौकी के बीच वाहन की टक्कर से घायल हुए एक महिला सहित चार लोग घायल रामपुर से मोतीपुरा चौकी की तरफ जा रहे थे। रास्ते में वाहन की टक्कर से घायल हो गए। घायलों का कहना है कि जिस वाहन ने उनको टक्कर मारी है उसका ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। घायलों को जिला चिकित्सालय उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। रामपुर से आ रहे थे, मोतीपुरा चौकी जा रहे थे। उधर से वो एक ये दो शराबी आ रहे थे हमारी साइड पे। इन्होंने पता नहीं अब जानबूझ के गाड़ी ली सर, ये पता नहीं किसके लगी, मेरे भी लगी सर। डीएसओ ने दिया ज्ञापन। पीजी कॉलेज में आज थर्ड सेम और फिफ्थ सेम के फॉर्म भरने की आज अंतिम तिथि थी, इसी कारण अधिकतर छात्र छात्राएं फॉर्म नहीं भर पाए। डीएसओ ने मांग की है कि फॉर्म भरने की तारीख आगे बढ़ा दी जाए, जिससे जो छात्र छात्राएं फॉर्म नहीं भर पाए हैं वो फॉर्म भर सके। इसी मांग को लेकर डीएसओ ने आज प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। छात्र संगठन ऑल इंडिया डीएसओ के द्वारा एक ज्ञापन प्रिंसिपल को जीवाजी यूनिवर्सिटी के नाम प्रिंसिपल को दिया गया है। अभी विगत थर्ड सेम और फिफ्थ सेम रेगुलर और प्राइवेट वालों के फॉर्म भरे हो रहे हैं। आपको जानकारी होगी कि 4 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था और आज 10 तारीख लास्ट है। अभी सर्वर डाउन की समस्या आ रही है, कई सारे छात्र ऐसे जिनके फॉर्म भरे नहीं हुए हैं और अभी बच्चे भी कई बार दुकानों पर भटक रहे हैं, रात के 9 बजे तक जा रहे हैं लेकिन फॉर्म भरा नहीं हो रहा है। अभी कॉलेज के अंदर भी मार्कशीट की जो समस्या है, आप देखिए प्रिंसिपल चैम्बर के बाद बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, कई सारी मार्कशीटें भी नहीं मिल रही, तो छात्रों को इतना समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही में ऐसे समय में जहाँ बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए, 21 तारीख से एग्जाम है, ऐसे समय में वो दुकानों पर घूम रहा है, यहाँ पर मार्कशीट के लिए लाइन में खड़ा हुआ है। तो हम लोगों ने मांग की है कि एक तो आज जो आखिरी तारीख है थर्ड सेम फिफ्थ सेम की, इसको बढ़ाया जाए, मिनिमम 15 दिन किया जाए, जिससे कि सभी छात्रों के फॉर्म भरा सकें। साथ ही में जो 21 तारीख से एग्जाम है वो एग्जाम की डेट भी बढ़ाई जाए, जिससे बच्चों को पढ़ने का मौका मिले। अभी रिजल्ट घोषित हुआ है सेकेंड सेम का, फर्स्ट सेम का, कई सारे बच्चों की एटीकेटी आई है क्योंकि टाइम ही पढ़ने का नहीं दिया जा रहा है। एडमिशन प्रक्रिया में अगस्त तक एडमिशन चले, अभी इलेक्शन था, क्लासें बिल्कुल नहीं लगी हैं। दीदी विद्वानों की भर्ती की गई है अभी एक महीने पहले, क्लासें बिल्कुल नहीं लगी हैं, इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि एग्जाम की तिथि बढ़ाई जाए, जिससे कि सभी छात्र पेपर दे सकें। ग्राम पिपरिया में आज एक दीवार गिरने से बालक की मौत हो गई, जबकि उसे बचाने के लिए गया युवक घायल हो गया, जिसे जिला चिकित्सालय में इलाज हेतु भर्ती किया गया है। आपको बता दें कि जहां दीवार गिरी उसी के पास बालक नहा रहा था। दीवार गिरती देख उक्त युवक बालक को बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दीवार गिरने के कारण बालक की मौत हो गई और उसे बचाने दौड़ा युवक भी घायल हो गया, जिसे जिला चिकित्सालय में इलाज हेतु भर्ती किया गया है। कहाँ से आए हो? पिपरिया से। क्या घटना हुई आपके साथ? ये अपने घर में दीवार गिर गया। कैसे? वो बस पर रहा था तो दीवार गिर, बच्चा ना रहा था। हाँ।
तो मेरे कहीं बहुत फैल रहा तो दौड़ के गया दीवार गिर रहा हूँ। बच्चा भग 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 कर रहे वाले में बच्चा भी भागो और मैं भी दौड़ के गया और मैं देर लग गया। हाँ फिर तो बच्चा कहाँ क्या क्या किस क्या उम्र की आज रघुवंशी समाज और लॉयंस क्लब के द्वारा नेत्र शिविर का आयोजन किया गया जिसमें आंखों की जांच की गई। जिन मरीजों की आंखों में मोतियाबिंद की शिकायत मिली उनको चिन्हित कर उनका ऑपरेशन किया जाएगा। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी आंखों की जांच कराई। डीजीएनए न्यूज में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।